मोहन भागवत क्या कहा है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, इसके पहले जब देखा कि जाति व्यवस्था का कस के विरोध होने लगा है तो उसका भाषा अगर न बोलेंगे तो हम कबरा जाएंगे। इसलिए अब आप ही के सब में सट करके आपका समर्थन कर रहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाया। तो देवी देवता कौन बनाया इसे पूछा जाए, स्वर्ग नरक कौन बनाया? भारत में लोग अपने लिए जीते हैं, जापान में अपने लिए लोग नहीं जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं। राष्ट्रीयता की भावना जिस देश में कूट कूट करके है वो देश दुनिया के दौर में सबसे आगे है। अगर शरीर में आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि आत्मा शरीर में किस पार्ट में। भारत कुरीति का देश है, पाखंड का देश है, झूठों का देश है, देवी देवताओं का देश है, जातियों का देश है, छुआछूत का देश है, पुण्य का देश है, स्वर्ग का देश है, नरक का देश है, खरवास पचका का देश है, भाग भगवान का देश है। जहाँ इतने लोग हैं, जहाँ का देवी देवता या पाखंड सारे डूबे हुए लोग हैं, स्वच्छ एक आदमी निरोग है नहीं। भारत का बीमारी क्या है तो भारत का सबसे बड़ी बीमारी ब्राह्मणवाद। ब्रह्म क्षत्रिय मिर्धोती न छत्रंग ब्रह्म वर्धते, छत्रंग ब्रह्म च संप्रीत मिह च चामूत्र वर्धते। न ब्राह्मण के बिना राजपूत का विकास होगा, न राजपूत के बिना ब्राह्मण का, दोनों अगर एक हो जाता तो चामूत्र वर्धते, चारों तरफ जय ही जय है। मेरा निर्माण को ईश्वर नहीं किया है, मेरा जन्म को ईश्वर नहीं किया है। जीव कैसे फॉर्म किया, प्लाज्मा कैसे बना, उस समय से आज अरबों खरबों सेल के हम लोग बन गए। सेल का क्या फंक्शन है, हम क्या हैं, ये हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। कैसे उनको कोसें, हम बूझते हैं कि भगवान पैदा कर दिया हम हैं, हमारे शरीर के अंदर कौन सी क्रिया हो रहा है अरुण गुप्ता को कोई पता नहीं। हमारे पेट के अंदर जो हम चना खाए हैं वो क्या क्रिया हो रहा है, क्या एक्शन रिएक्शन उसका हो रहा है, अरुण गुप्ता को कोई पता है? वो अपना फंक्शन सब पार्ट कर रहा है ना सच्चाई। जिस तरह से हजारों, एक ट्रक बनाने में हजारों छोटी बड़ी पार्ट लगती है, हजारों छोटी बड़ी पार्ट को असेंबल कर करके हम एक ट्रक बनाते हैं, हजारों पार्ट लगा करके मोबाइल बनाते हैं, हजारों छोटी बड़ी पार्ट लगा के वो कंप्यूटर या ये माइक बनता है। सबका समान कोऑपरेशन से तब हम एग्जिस्ट कर पाते हैं, जीवित हो पाते हैं। अगर एक कोई मोटरसाइकिल में, कोई ट्रक में 1000 पार्ट लगे हैं छोटे बड़े, उसमें एक भालटू का भी उतना ही सहयोग है जितना उसका लाइनर पिस्टन का काम है। लाइनर पिस्टन सुरक्षित हो, फंक्शन कर रहा है लाइनर पिस्टन, अगर भालटू उसका निकल गया, हवा निकल गया, एक को डेंग चलेगी ट्रक, बोलिए। इसी तरह से शरीर में अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है, या शरीर में बहुत से पार्ट हैं, लाखों, 206 हड्डी पढ़े हैं ना, शरीर में 206 हड्डी टुकड़ा है, 206 हड्डी को हमारे शरीर में नस के द्वारा असेंबल है, यही ना है। 206 हड्डी पर मैं खड़ा हूँ, आप भी वही उतना ही में खड़ा है। इस शरीर के अंदर किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, सारे पार्ट हैं। इसमें एक वो पार्ट का अगर गड़बड़ी हो जाए तो वही मोटरसाइकिल लेखन फिर दूसरा पार्ट लगाना होगा, उसमें प्राण नहीं जाएगा। अगर 206 आदमी को ले आइए और 206 आदमी को हम सब पार्ट अलग अलग निकाल देंगे शरीर के, तो भी इंसान जिंदा रहेगा। कैसे जिंदा रहेगा? एक वो कोना में प्राण है, एक वो किडनी हमारा निकाल दीजिए दाहिना, तो बायां पर जिंदा रहेंगे ना। अब बायां उसमें प्राण, एक वो दहिन का किडनी निकाले तो उसमें से प्राण नहीं निकला, बायां पर हम जिंदा रहे। फिर इनका एक किडनी निकाल दीजिए तो दहिना पर जिंदा रहेंगे, एक लंग्स निकाल दीजिए उस लंग्स पर जिंदा, ई लंग्स निकाल दीजिए उस पर जिंदा। इस तरह से सब पार्ट को अलग अलग कर देने के बाद आदमी जिंदा रहेगा। तो मर क्यों नहीं गया, आत्मा किस में गई? अगर शरीर में आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि आत्मा शरीर में किस पार्ट में है। जब उतना सूक्ष्म माइक्रोन से इलेक्ट्रॉन के उस रे से जो 1 इंच लंबा रेखा तुम पारते हो, तो 1 इंच लंबा रेखा पर एक दूसरे से अलग अलग रखोगे तो 125 करोड़ परमाणु एग्जिस्ट एक लाइन में करता है। जब उतना सूक्ष्म पदार्थ को जब वैज्ञानिक समझ सकता है तो प्राण उससे भी सूक्ष्म है, वो तुम कैसे जान गए? इसलिए आत्मा के चक्कर में पढ़ाया गया है, आत्मा के चक्कर में समाज को उलझाया गया है, आत्मा के परमात्मा के फेर में समाज को डाला गया है
कि आत्मा परमात्मा जो होता है ईश्वर के कृपा से होता है। बिजली गिरती है ईश्वर के कृपा से, ठनका गिरता है ईश्वर के कृपा से, आंधी तूफान ईश्वर के कृपा से। जब ईश्वर के कृपा से सारा है तो ईश्वर के कृपा से अंग्रेज आया तो फिर ईश्वर के कृपा जहिया होता अंग्रेज चला जाता। ये भगत सिंह को कुर्बानी आई, गांधी को आंदोलन खड़ा करने की जरूरत कहाँ से है ईश्वर के इजाजत में? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब जो गॉड इज नथिंग, ईश्वर जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा कि गॉड इज ग्रेट लाई, ईश्वर महाझूठ है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ लोटारिस्ट, धर्म अफीम है, नशा है। जैसे डॉक्टर इथर सुंघा करके आदमी को बेहोश कर देता है और स्वेच्छा से डॉक्टर को जिस पार्ट को निकालना होता है निकाल लेता है, कोई बेचैनी। इसी तरह से हम इस उलझन में फंसा दिए गए हैं, इस उलझन में हम पड़ गए हैं कि सत्य और असत्य का हम पहचान नहीं कर पाते हैं। इस देश में सत्य हार गया, झूठ जीता हुआ है। झूठ इस देश में हवाई जहाज के स्पीड से दौड़ रही है, भारत में झूठ हवाई जहाज के स्पीड से दौड़ रही है और सत्य गधा के रफ्तार से चल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा समाज बीमार है। बीमारी का कारण ब्राह्मणवाद है, गरीबी का कारण ब्राह्मणवाद है। ये देश पाखंडी बना हुआ है, इस देश कंगाल बना हुआ है, इसका कारण ब्राह्मणवाद है। इस देश में जो भी कुरीतियां हैं ब्राह्मणवाद। अब ट्रक बॉस से बैठ बैठ करके जाते हैं बैनाथ धाम, बोलबम चिल्लाते हुए जाता है। अरे बोलबम, बाबा साहब अम्बेडकर कहे हुए हैं कि जिस शब्द का अर्थ नहीं समझते हो तो उसका संधि विच्छेद करो, शब्द को तोड़ो समझ जाओगे। बोलबम का हिनकर बम निकल गए, आर्थिक शोषण हो जाना, मानसिक तौर से विचलित हो जाना, बीमार पड़ जाना। अगर मेरे हाथ में सत्ता अगर आ जाए तो ये 1 करोड़ आदमी बैनाथ धाम जाता है सावन महीना में, खादर बेच के बंधक रख के कर्जा ले करके 1 करोड़ आदमी जल चढ़ाता है। बहुत बार मैं कहा अरे कहाँ हमारे साला जो हैं वो भी बैनाथ धाम, दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, इत्तेफाक से हम ससुराल उस दिन चले गए थे तो जल चढ़ा के लंगड़ाते आ रहे थे हस्बैंड वाइफ दोनों। तो मैं दरवाजे पर उनके बैठ करके अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह पूर्व में घूम करके मुंह धो रहे थे, देखे कि वो आ रहा है लोग तो नहीं दूर से पहचान, लेकिन नज़दीक में आए तो हमको मैं पूछा कि अरे लंगड़ा क्यों रहे हैं? तो आप न जानते हैं। हम कह रहे थे कहाँ गए थे? तो आप न जानते हैं कि कहाँ गए हैं? अरे तो कहाँ कहाँ जाता है आदमी, हरिहरनाथ फिर जाता है, गरीबनाथ जाता है, बैनाथ धाम भी जाता है। कहाँ आप हरिहरनाथ गए थे कि गरीब स्थान गए थे कि बैनाथ धाम गए थे, वही बताइए ना। तो उनकी पत्नी कहती है कि बैनाथ धाम से। तो हमको कौन चीज़ पर जल चढ़ाए हैं? तब कोई नहीं बोल रहा है। हम कहते ये बताइए कि जल चढ़ाए हैं वहाँ, जल चढ़ाने गए थे तो शिव जी के माथ पर जल चढ़ाए हैं कि हाथ पर चढ़ाए हैं कि उनके पेट पर चढ़ाए हैं कि पीठ पर चढ़ाए हैं कि लात पर चढ़ाए हैं कि आँख पर चढ़ाए हैं, कोथी पर जल चढ़ाए हैं? तो उनकी पत्नी वो तो नहीं कुछ बोले, जबकि ग्रेजुएट है दोनों, वो मास्टर है। तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए हैं तो कौन पार्ट पर चढ़ाए हैं, माथ पर चढ़ाए हैं कि उनके आँख पर? तो उनकी पत्नी कहती है तो वही पर। तो मैं पूछा अच्छा ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा मर्द है कि कोई मर्द किसी मर्द के लिंग पर जल चढ़ाता हो? रामविलास जी से मैं कहा मर्द कभी मर्द के लिंग पर जल नहीं चढ़ा सकता। आज तक कोई देवता किसी का कल्याण किया है? अरे हमारे राम सूरज चौधरी बराबर झगड़ा कर लेते हैं हमसे जो हमारे सीनियर साथी हैं। अरे कई आदमी से लड़ जाते हैं, कई तुम जाते हो बैनाथ धाम आशा रख करके, तुम फलाना देवी देवता तर जाते हो तो तुम तो चंद घंटा के लिए जाते हो दर्शन करने, जल चढ़ा के चले आओगे, उसके जगह 100-200 भिखमंगा नजर आता है तुमको? तो हाँ, तो बरसों रात दिन भिखमंगा शिव के दरबार में रात दिन हो कर रहा है तो उसको कुछ गरीब को दे नहीं रहा, जबकि तुमसे ज्यादा उसकी जरूरत है। तो उसको सैकड़ों गरीब
को वो शिव बैठाए हुए है बरसों से और उसको कुछ नहीं देता है, तो चंद घंटा के लिए तुम जाते हो तुमको कैसे दे देगा? अब इससे बड़ा जूता ज्ञान का और क्या हो सकता है? हम यहाँ आ जाए आपके फैजाबाद में ढोल झाल लेकर के हम 24 घंटा जय सिया राम जय सिया राम करें, तो वहाँ भी तो भीख मंगा के मैं गया था एक बार तो देखा, तो वहाँ दुनिया भर का भीख मंगा के राम और सीता अभी तक कल्याण नहीं किया कि उससे तो बेटर हम उसको न मानते हैं तो हमारा ठीक सेहत है, हमारे हम ठीक पोजिशन में है। ऐसी व्यवस्था को हम स्वयं दोषी हैं, स्वयं हम ऐसी व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं इच्छा से, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हमारे लोग शिक्षित MBA, आज भारत में जितना शूद्र समाज के लोग MBA होंगे उतना यहाँ के ब्राह्मण राजपूतों का जनसंख्या नहीं है, बोलिए है? जब हमारा शिक्षित लोग आज ग्रेजुएट है MA जितना है उतना सवर्णों का जनसंख्या नहीं है, तो ये शिक्षित लोग क्या कर रहे हैं, अलुआ छील रहे हैं? कम से कम शिक्षित लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए कि भाई तुम भी शिक्षित, हम भी, ब्राह्मणवाद को कबाड़ के हटाओ, अपनी सरकार बनाओ। ऐसा ही शिक्षित लोग और वो हमसे कम जनसंख्या है और हम पर हुकूमत कर रहा है, ऐसी व्यवस्था के लिए हम जिम्मेवार हैं। ऐसे व्यवस्था आप अगर ये आए गए क्लास में कर्तव्य निभाने आए हैं तो आप जितना दैनिक जीवन में जितना आप रोज नहीं कमाते उससे ज़्यादा आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है सरकार के द्वारा। 1 लीटर पेट्रोल भारत के नियोज दीवाला चौधरी महाराज सिंह भारती का उठा के पढ़ ले, और कई गो किताब है उसमें पढ़ ले कि 1 लीटर पेट्रोल बनाने पर कितना पैसा खर्च है, अब बेचा कितना जा रहा है, क्यों आप ही से 1 लीटर पेट्रोल का दाम 90 रुपया ले रही है सरकार, आज जो 25 रुपया 1 लीटर पर बनाने में खर्च है, बाकी 75 रुपया तो आपका एक्सप्लाइट हो रहा है। इसी तरह से हर चीज़ में शोषण आपका हो रहा है, आपका कोयला खान लूटा जा रहा है, यूरेनियम का खान लूटा जा रहा है, आपको कोई आता पता है? जिस देश के अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन कहा था कि देश की जनता जितना कंसस होती है उस देश की राष्ट्रपति जनता खोंक देता, राष्ट्रपति को धोती पैजाम फूट फुल पैंट गंदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम खुद संगठित नहीं हैं। जिसको रैदास ने कहा, कितना सत स्लोगन संत रविदास दिया था 600 वर्ष पहले, बाप रे बाप, आज तक समझा नहीं रैदास को कोई, कबीर को नहीं समझा। रैदास कहे थे सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा, ए इंसान आपस में सत्संग करके राय मुसविरा विचार करके एक साथ चिपक करके रहना जैसे मधुमक्खी, लाखों मधुमक्खी एक साथ चिपक करके रहता है, उस तरह से तुम भी चिपक कर रहो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा। जब एक फतिंग एक कीड़ा से चिपक करके रहने की वजह से ना कोई मध के छत्ता में ढेला नहीं मारता है कि वो इतना बड़ा फतिंगा आपको आके बीन लेगा, इसलिए कोई डर से, आई इतना बड़ा बड़ा दुगोड़ा मध क्या करेगा, उससे भी बदतर हम हैं। मुझे जो विषय पर बोलना है उसके अलावे मैं चाहूँगा कि आप लोग के अंदर जो घर से आए होंगे, जो आप कुछ ले करके आए होंगे कि ये पूछेंगे ये जानेंगे, तो हम मैं बोलता चला जाऊँगा या कोई साथी प्रशिक्षक साथी बोल करके चले जाएंगे, आप कसक कुछ लेके आए हैं जिसका समाधान कराना चाहते हैं, वो कसक रह जाएगा कसक, फिर कसक वापस चला जाएगा घर, फिर आप उस कसक को घाव के रूप में नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कुछ समय बोल दूंगा, उसके बाद आप लोग कुछ पूछेंगे, उसका उचित वैज्ञानिक ढंग का समाधान मैं जो जानता हूं उसमें से कुछ कर पाऊं। साथियों, हम भारतवासी हैं और भारत का इतिहास को देखना होगा। भारत किसी समय, जिस समय भारत का नामकरण भारत शब्द से हुआ, उसके पहले इनके धर्मशास्त्र के अंदर आती है जम्बुक द्वीप का नाम भी सुने होंगे आप लोग। जम्बुक द्वीप से लेकर के आज हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान का अर्थ है कि हमारे नेता, बड़ा बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े सुधारक समाज के अंदर वो भी बोल देते हैं जय हिंद,
तुम भाई सब क्या पढ़ो कि जय हिंद कह देने का मतलब तुम स्वतः शूद्र अपने मिट्टी से बेदखल हो जा रहे हो। जय हिंद कहने का मतलब हिंदुओं का स्थान होता है। तुम दरबीर, तुम शूद्र, तुम आर्ज अनार्ज बेदखल हो जाते हो। आर्ज की उपस्थिति, उसकी भागीदारी में तुम जी रहे हो, उसके अधीन तुम जी रहे हो। जब उसकी सत्ता उसकी समृद्धि हो जाएगी, देश उसी का होगा, तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, उस देश में गुजारा कर सकते हो, लेकिन मालिक नहीं बन सकते हो। जय हिंद कहने वाले लोग पुनः इस शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जय भारत हो सकता है, जय अर्जक चलेगा, कमेरों का जय हो हमारे साथ, लेकिन मजबूरी है कि मैं कह लेता हूँ। और व्यक्तिवाद, परिवारवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद एक ही झोला का, एक ही थैले के चट्टे बट्टे सब हैं। चाहे व्यक्तिवाद हो, परिवारवाद हो, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। और जिसका जीता जागता नमूना हमारे मंत्री लोग हैं, देश के अंदर हम लोग हैं, कि हम मुख्यमंत्री हैं तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री हो, दूसरा कोई ना हो। मैं तो सब देखते देखते मैं 75 वर्ष देख लिया, 75 बसंत मेरे जन्म के बाद आए और 75 बसंत चले गए। अब कई बसंत और देखेंगे ही, आप लोग को कई बसंत आप लोगों से मुलाकात होगी। साथियों, बीमारी अगर आप नहीं पहचानेंगे, कोई डॉक्टर किसी बीमारी को नहीं पहचानेगा तो उसका दवा का चुनाव भी अच्छा नहीं कर पाएगा। जब दवा का चुनाव अच्छा नहीं करेगा तो रोगी ठीक नहीं होगा, बीमारी ठीक होगी ही नहीं। इसलिए बहुत सा उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण आए हैं, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, क्या क्या है। तो उसी तरह से अब इस देश के अंदर ये अल्ट्रासाउंड का परिस्थिति आ गई है। जो रामस्वरूप वर्मा का जो लिटरेचर है, उसको जो ज्ञान से पढ़ लेगा, उसके अंदर जो बीमारी है, उसके अंदर जो जातीय सेंटीमेंट है, ब्राह्मणवादी सेंटीमेंट है, स्वार्थ का सेंटीमेंट है, इससे सबसे मुक्त हो जाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। कारण कि कार्ल मार्क्स जिस देश में पैदा लिए, उस देश में दो ही बीमारी थी जिसका इलाज डॉक्टर अंबेडकर कार्ल मार्क्स ढूंढ निकाला। और बीमारी दो क्या थे, क्लास वर्ग स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं चलेगा, यहाँ वर्ण संघर्ष चलेगा। यहाँ जैसे वर्ण की बात आती है तो यहाँ तीन बीमारी है, गरीब अमीर की लड़ाई, वर्ण व्यवस्था जर्मनी में, रूस में, चीन में, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, कोरिया, इस सब में वर्ण नहीं थी, वहाँ वर्ग था। तो वहाँ लड़ाई हुई, सफलता वहाँ के मजदूरों सरभराओं को मिल गया, पूंजीवाद की खात्मा हुई और समाजवाद साम्यवाद का उदय हुआ। लेकिन यहाँ जैसे आप क्लास स्ट्रगल चलाइएगा तो आपके बीच जो ब्राह्मणवादी लोग, सवर्ण के लोग हैं, वो कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता बन जाएंगे, आपको झंडा धोवा करके मिलिट्री से लड़वा के आपको गोली खा करके आपको मुँहवा देंगे और लड़ाई जहाँ का तहाँ रह जाएगा। चूँकि इनका मैं डीप अध्ययन किया हूँ, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटलिज्म, लेनिन की लिखी हुई एक सत्ता, राजसत्ता और क्रांति, एक कदम आगे दो कदम पीछे, सबका डीप अध्ययन, माओ सेतुंग का रेड बुक, पिकुलियर चाइना, एक चिंगारी, सारे लिटरेचर का अध्ययन करने के बाद वर्मा जी का जब मैं ब्राह्मण महिमा पढ़ा, मेरे पिताजी पढ़े तो कहते हैं कि अरे ये तो नब्ज पहचान है भारत का, रामस्वरूप वर्मा तो नब्ज पहचान करके बेहतर दवा निकाले हैं। और उसके अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, 10 का शासन 90 पर, यहाँ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हम जो राजनीतिक दल बनावे उसमें एक भी सवर्ण को हम मेंबर नहीं बनाएंगे, एक सवर्ण को उसको टिकट नहीं देंगे, साफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, नतीजा तब निकलेगा। लेकिन नतीजा ऐसे कभी नहीं निकलेगा कि जवन गाँव के छीनरा उहे डोली के साथ, लूटे वाला वही पार्टी में, लुटाए वाला वही पार्टी में, लड़ाई हट के होता है, सट के नहीं होगा। इसलिए मैं, हमारे ही बिहार में हैं, लालू जी की सत्ता रही है,
नीतीश जी की सत्ता रही है, एक आदमी भूहार के क्लच में है तो एक आदमी राजपूत के क्लच में है। ऐसी व्यवस्था जब रहेगी और उनके अधीन में हमारे मंत्री लोग का वो चरवाही नकेल पकड़ करके करता है, चूँकि रात दिन उनके साथ में रह करके उनका देखा हूँ कि उनके नज़दीक जो भी जाते हैं सब सीट पिटा जाते हैं, वो एक बार डांट के बोल देता है हमारे लोग मैदान छोड़ के हट जाते हैं। ये चलता रहेगा तो कहने का मतलब है, अब बीमारी देश का बीमारी क्या है, भारत का बीमारी क्या है, तो भारत का सबसे बड़ी बीमारी ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद ऐसी बीमारी है कि पूरा देश बीमार है, और जहां पूरा देश बीमार होगा, जिस गाड़ी में आप सवार हो गए हैं उसमें जो चींटी है, उसमें मक्खी है, उसमें जो ड्राइवर है, जो गाड़ी है जिस स्पीड में चलेगी, सारी जीव जंतुओं का स्पीड एक ही गति होगा, उसी स्पीड में सब रहेंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ है तो भारत कुरीति का देश है, पाखंड का देश है, झूठों का देश है, देवी देवताओं का देश है, जातियों का देश है, छुआछूत का देश है, पुण्य का देश है, स्वर्ग का देश है, नरक का देश है, खरवास पचका का देश है, भाग भगवान का देश है। जहाँ इतने लोग हैं, जहाँ का देवी देवता या पाखंड सारे डूबे हुए लोग हैं, स्वच्छ एक आदमी निरोग है नहीं, एक आदमी भी यहाँ हमको निरोग लगते नहीं है। देखते हैं किसी शहर में, किसी मेला में, या कहीं भी मैं जाता हूँ, कलकत्ता हो या दिल्ली हो या बॉम्बे हो या पटना हो, कहीं मैं जाता हूँ तो देखता हूँ जितना लोगों को, सब अपने आप में बीमार है, व्यस्त है, दौड़ धूप में लगा है, चाहे कोई धर्म के आड़ में है, कोई बीमारी के आड़ में है, कोई दूर रोजी रोटी रिक्शा पुलर को देखता हूँ। बहुत जगह रिक्शा वाला जैसे उतरा स्टेशन पर तब 25 आदमी पूछे कहाँ जाओगे, हम कहे अमेरिका जाएंगे, ले चलो। ये क्या तुक है, क्या पूछने का? मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ, कहता हूँ मैं, अरे भाई मैं समझदार आदमी हूँ, मैं दुनिया के हर जगह जा सकता हूँ बिना पूछे हुए, तो मुझसे पूछते हो कहाँ ले चलोगे तुम? तू ही बताओ, हम जहाँ जाते हो वहाँ तुम जाएगा नहीं, तो इसलिए पूछते क्यों हो? तो ये देश समस्याओं का देश है। इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अकेला जितना झूठ बोलता है पूरा संसार का, झूठे लोगों को एक जगह करोगे तो अभी वो पूरा संसार हार जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी हारने वाला नहीं है। अकेला दुनिया में जितना झूठ का रोज प्रादुर्भाव उत्पत्ति होता है, जितना झूठ बोला जाता है, अकेला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। जहां का गार्जियन, जिस देश का नेतृत्व इतना झूठ बोलता हो, उस देश का क्या दशा होगा? उसके चौकीदार दफदार से कोई समाचार पूछेगा? जिस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वही इतना अंधविश्वासी हो, इतना अज्ञानी हो, उस देश का नागरिक का क्या हस्ती होगा, क्या उसका सोच होगा? इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूँ कि इस धरती पर हम लोग जो समस्या, भारत की समस्या है, वो ब्राह्मणवाद की समस्या है। ब्राह्मणवाद की समस्या का समाधान जब हम लोग कर लेंगे तो स्वतः हम मानववाद की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूंजीवादी समस्या उतनी समस्या खराब नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था आपको कुछ सामान प्रोडक्ट करके, कल कारखाना में प्रोडक्ट करके आपके बीच देता है, एक रुपये के सामान 13 रुपया में दे देगा, लेकिन 1 रुपया तो देगा। ब्राह्मणवाद तो 1 रुपया देता नहीं है, मुसल्लम उसका आप खुराक बने हो, वो 1 पैसा देता नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद इसके बाद भी आपको कुछ देता नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था कुछ दे देता है लेकिन टोटल ले लेता है। इसलिए आपको समझना होगा, यहाँ के किसानों को भी समझना होगा, किसान लोग समझते नहीं हैं कि इस देश में 1 घंटा में 1 करोड़ सुपर एंटीबायोटिक सेप्राफ्लॉक्सिन कैप्सूल आप बना सकते हैं, 1 घंटा में करोड़ों टैबलेट आप सेप्राफ्लॉक्सिन का बना सकते हैं,
एक घंटा में 100 रेंज का सैकड़ों लीटर 100 रेंज पैदा कर सकते हैं, एक घंटा में करोड़ों लाखों बोरा सीमेंट बना सकते हैं, एक घंटा में करोड़ों टन फौलाद पैदा कर सकते हैं, एक घंटा में आप करोड़ों मीटर कपड़ा बना सकते हैं, एक घंटा में हजारों लाखों मोटरसाइकिल बना सकते हैं। लेकिन किसी की हस्ती है कि एक घंटा में 1 किलो टमाटर पैदा कर दे, 1 किलो गेहूं पैदा कर दे? 1 किलो टमाटर पैदा करने के लिए 3 महीना आपको नेचर से युद्ध करना होगा, कितना छिड़काव करना होगा। 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए वर्षा, आंधी, तूफान, कीट पतंग से उससे संघर्ष करना होगा, तब आपके खलिहान में, आपके बखारी में गेहूं आएगा। तो इतना कंट्राडिक्शन के बाद जिस चीज की प्राप्ति हम कर पाते हैं भारतवासी, जिस पर पूरे भारत के जीव जंतु, चींटी से लेकर के इंसान तक सब उसी पर आश्रित हैं, गेहूं चावल पर, आलू प्याज पर आश्रित हैं, तो जो चीज इतना मुशक्कत से पैदा होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जैसे आप मेरे मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, क्या 500 रुपये किलो आलू है, जब वो पूंजीपतियों के बखारी में कोल्ड स्टोर में चला जाएगा तो वो 2000 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिल जाएगा। तो किसान पैदा किया, उसको जो पैदा किया उतना भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपसे ले करके चला गया, रख दिया, 2 महीना के बाद जब सब मार्केट उसके अंदर में, मार्केट से जब किसानों से उसके हाथ में आ जाएगा तो मनचाहा जितना कर ले, आपको लेना ही है। तो जो चीज पैदा करने में इतनी परेशानी के बाद पैदा हम कर लेते हैं, और इसके बाद जब उसके हाथ में चला जाता है तो वो मनचाहा आप से शोषण करके पैसा, कीमत वसूल लेता है। लेकिन 1 मीटर कपड़ा बनाने में 4 रुपए लगते हैं, तो कपड़ा में कीटनाशक छिड़काव करने की जरूरत नहीं है, कपड़ा में उसको आंधी तूफान से कोई मतलब नहीं है, मिल से कपड़ा प्रोडक्ट हुआ, गेठिया बनाया और वहाँ से चला आया आपको अंबेडकर नगर किसी बड़े व्यवसायी के यहाँ, वो किसी जगह में स्टोर हो गया, उसमें कुछ लगने वाला नहीं है, न घटने वाला है। तो 1 मीटर कपड़ा पर लग जाता है कीमत कितना, 4 रुपए 1 मीटर कपड़ा पर लगा। अब मार्केट में बेचा जाता है कितना में, 80 रुपये मीटर, 60 रुपये मीटर, 40 रुपये मीटर। अब बताइए कि इसी तुलना में अगर किसानों के गेहूं का, आलू का, बैंगन का अगर तुलनात्मक अगर व्याख्या विश्लेषण किया जाए, तो 1 मीटर कपड़ा पर आप 20 गुना मुनाफा ले रहे हैं, तो 1 किलो चावल पैदा करने में किसान का अगर 10 रुपये लगते हैं तो 10 में 40 से या 10 से गुना कर दीजिए, 200 रुपये किलो बेचो, 100 रुपये किलो चावल बेचो, तब किसान का बरक्कत, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, न तो संभव नहीं है। ये क्यों नहीं हो पाता है? चूँकि यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का वर्चस्व है, सरकार उन्हीं की है, वोट हमारा है। चूँकि अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अभी जो कौम अपने वोट का सुरक्षा नहीं कर पाता है, वोट की कीमत को नहीं समझ पाता है, औने पौने में अपना वोट का बंटवारा कर देता है, जो समाज का अहित करने वाले लोग कैंडिडेट को वोट दे करके पार्लियामेंट जैसे जगह पर पहुंचा देते हैं, और उसके बाद वो उनका काम नहीं करता है, वो पार्लियामेंट में जाने के बाद अपना काम करना शुरू कर देता है, तब हम कहते हैं कि ये सरकार गलत है। गलत का तो सृजक तुम हो, गलत सृजन करके तुम भेजा। आज भी पार्लियामेंट में जितने लोग हैं वो अपना काम लोग कर रहे हैं। आज दलित पिछड़ों का जितना संसद है, अगर नरेंद्र मोदी का टोटल मोहन भागवत के अथी से रिजाइन, खाली कुछ करना नहीं है, सिर्फ रिजाइन करके घर चले आवे, सरकार आज गिर जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? चूँकि व्यक्तिगत तौर से वो लोग स्वार्थ में फंसे हुए हैं। जब तक स्वार्थ से ऊपर नहीं होंगे तब तक ये लोग राष्ट्र का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ समस्या ब्राह्मणवाद है। तो ब्राह्मणवाद जो देश के अंदर ये कुव्यवस्था क्रिएट किया है, इसके लिए जिम्मेवार हम हैं, हमारे पूर्वज जिम्मेवार थे। और बीच में जो चेंजिंग आई है, चाहे आर्यों के आने के बाद, तो हम नहीं समझ पाए
कि हम गुप्त काल इसी भारत की भूमि पर गुप्त काल चला, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहा गया। तो स्वर्ण युग जैसा बेहतर युग को अपदस्त कौन किया, घटिया युग में कन्वर्ट कौन किया, बीमारी इसको ढूंढिए। हम लोगों के खानदान को गुप्त काल को तहस नहस किया आर्य काल। रजनीकांत शास्त्री का हिंदू जाति का उत्थान और पतन किताब उठा करके आप पढ़ लेंगे, जिसमें क्लियर लिखे हुए हैं, न ब्रह्म छत्रि मिर्धोति न छत्रंग ब्रह्म वर्धते, छत्रंग ब्रह्म च संप्रीत मिह चामूत्र वर्धते। न ब्राह्मण के बिना राजपूत का विकास होगा, न राजपूत के बिना ब्राह्मण का, दोनों अगर एक हो जाता है तो चामूत्र वर्धते, चारों तरफ जय ही जय है। तो फिर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कुबलाई खां चंगेज खां इतिहास का रोलर माना गया है, पढ़े हैं कि नहीं? ये हून लोग आए, शक लोग आए, हमारे पूर्वजों का हत्या किए, गुप्त काल को तहस नहस किया, और उसके बाद गुप्त काल की विदाई हुई, गुप्त काल का पतन हुआ, उसके बाद राजपूत काल का उदय हुआ। हिस्ट्री में है ना चार काल, गुप्त काल, राजपूत काल। तो हमारे खानदान के काल को कौन ध्वस्त किया? तो राजपूत काल। तो क्या मतदान करके किया था? मतदान करके हराया था। कौन चीज से हराया? तलवार के बल पर। और उसके बाद तलवार के बल पर राजपूत काल की स्थापना हुई। फिर राजपूत काल को ध्वस्त कौन किया? गजनी गोरी अकबर हुमायूं बाबर, यही सब ने किया। तब राजपूत काल को ध्वस्त किया मुगल काल। मुगल काल का मतदान करा के किया था, वो भी तलवार के बल पर किया था। तब मुगल काल की स्थापना हुई। फिर मुगल काल का पतन कौन किया? अंग्रेज किया। अंग्रेज मतदान करके वो हटा दिया, अंग्रेज जीत गया। वो कौन सी से हुआ? गोली से। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कि दो गज जमीन मिली जफर को दफन के लिए, ये पढ़े हैं ना, जानते हैं ना आप लोग, तो रंगून भेज दिया उसको। तो 80,000 सेना बहादुर शाह जफर का, जो तलवार और भालाधारी तीरधारी बहादुर शाह जफर का 80,000 फौज, 14,000 ईस्ट इंडिया कंपनी के 14,000 बंदूकधारी फौज के सामने 80,000 सरेंडर कर गया और अंग्रेज काल का उदय हुआ, मुगल काल का पतन हुआ। और उसके बाद फिर ये अंग्रेज को यहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया। तो मतदान करके भगाया गया है। कैसे भगाया गया है? वो अंग्रेज आंदोलन से नहीं भगा है, हमारे समाज के अंदर जैसे नौजवानों की कुछ टोलियां, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ऐसे ऐसे रिवोल्यूशनरियों के कृपा से जब यहाँ कुछ होने लगा, फूंक फांक काट मार, तब अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट कहता है चर्चिल से कि चर्चिल, सन डज नॉट सेट इन ब्रिटिश डोमिनियन, अंग्रेजों के साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है, तुम समुद्र में एक कतरा नींबू के रस के बराबर हो, तुम वहां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो नारा दिया है गांधी, उसी के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करके तुम चले आओ, कि तुम्हारा ट्राम, तुम्हारा मेडिसिन की कंपनियां या और सब कंपनी तुम्हारा उस देश में रहेगा। और तुम्हारी कंपनी वहां, इंडस्ट्री सब भारत में रहेगा, तुम चले आओगे भी उन्हीं के हाथ में शांतिपूर्ण ढंग से, जो गांधी आंदोलन खड़ा किया है उन्हीं के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करके तुम चले आओ, कि तुम्हारा और सब व्यवसाय वहां कल कारखाना का रह जाएगा, तुम वहां का आर्थिक शोषण बैठे बैठे करोगे, वो तुमको शोषण करके पहुंचाता रहेगा, तुम्हारे लोग वहां जाकर के मलकियत करते रहेंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट का सजेशन ये चर्चिल मान लिए। और तब का हुआ कि भगत सिंह जैसे लोक क्रांतिकारी लोगों को नज़रअंदाज करके गांधी जैसे लोगों के हाथ में सत्ता मिला,
और सत्ता जब मिला इन लोगों को तब सत्ता में बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, भीतर कसक है कि भारत में प्रधानमंत्री का सिलेक्शन करने का जो वोट 14 आदमी को 15 आदमी को वोट दे करके प्रधानमंत्री सिलेक्ट करने का पावर था, उसमें से 12 आदमी सरदार पटेल के पक्ष में थे, एक आदमी नेहरू के पक्ष में और एक आदमी मतदान नहीं किया, ऐसा करके मैं पढ़ने को मिला। अब सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल से गांधी पूछते हैं कि क्या पटेल जी, अगर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना? तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और नेहरू से पूछा गया कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो तुमको आपत्ति? तो मुँह पक्षी मुँह घुमा लिया पंडित नेहरू, हमको आपत्ति है। तो वो गांधी मना लिए पटेल जी को, पटेल जी को जैसे पटेल जी मान गए, वहाँ यहाँ का 90% पिछड़ों दलितों का गला घोंट दिए, हमारा लाइन वहीं कट जाता है। जैसे वो आया और यहाँ संसद का बंटवारा जब टिकट दिया नेहरू, तो 60% वोट सिर्फ एक टिकट सिर्फ कांग्रेस में एक जाति ब्राह्मण को दिया, 60 में 60 को सीट सिर्फ ब्राह्मण जाति को दिया, जिसमें 52 लोग जीत करके 52 लोग आए पार्लियामेंट के मेंबर बने। और वो 52 लोग जब बन गए तो निछक्का ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आ गई, जिसका नतीजा है कि भारत के मोर देन 80% ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बने भारत में, जिसका बुनियाद नेहरू इस तरह का रोपा, इतना मजबूत बुनियाद किया कि फौलाद भी उसके सामने कमजोर है, जो आज भी उसी का मार हम लोग, जिस दिन सरदार पटेल हार गए उस दिन पूरा भारत की काली चमड़ी शूद्र हार गया, पुरुषार्थ तब इनकी वहाँ कहाँ कब कहाँ चली गई थी, वो डेड अगेंस्ट कर देते कि नहीं मेरे पक्ष में है, भारत का मैक्सिमम लोग मेरे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हैं, नेहरू बने या ना बने, हमारे उस समय तो उतना लोग इनको बल देता तो प्राइम मिनिस्टर तो बनते, प्राइम मिनिस्टर बनते तो आज कुछ दिन और होता, कुछ और स्थिति भिन्न होता, लेकिन उसी दिन हमारी हार हो गई। और इसके बाद भी हम अभी तक हार मुँह की खाते जा रहे हैं। अब इसलिए ब्राह्मणवाद को समझने के लिए आपको मैं कहूँगा कि ब्राह्मणवाद को हटाने के लिए स्वतः आप पार्लियामेंट से बेदखल को ब्राह्मण को नहीं कर पा नहीं पाइएगा, पहले अपने घर से बेदखल ब्राह्मण को कीजिए, आप पहले घर से ब्राह्मण को निष्कासित कीजिए। आप शादी ब्याह करते हैं तो घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, कोई मर जाता है तो मांस छिलवाते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, कहीं जाना होता है तो खरवास पचका कलकत्ता जाना है दिल्ली तो पंडित जी से पत्रा दिखला लो, गृह प्रवेश कराते ब्राह्मण को बुलाओ, बुनियाद नेव डालना है तो ब्राह्मण को बुलाओ। इन सारी कुरीतियों को, सारे ब्राह्मणवादी सुपरमेसी को छोड़ना होगा और अर्जक संघ के द्वारा जानो और मानो वाला दर्शन को, अरे गृह प्रवेश का काम ब्राह्मण कैसे कराएगा, सत्यनारायण झूठनारायण कथा कह दिया तो गृह प्रवेश हो गया, गृह प्रवेश कराने का काम तो इंजीनियर करेगा कि घर का दीवार कमजोर है, छत कमजोर है कि मजबूत है, तो इंजीनियर ना प्रवेश कराएगा, ब्राह्मण क्या जानता है कि घर में क्या मटेरियल कमजोर है, कौन मटेरियल मजबूत है। इस पाखंड को छोड़ना होगा, ब्राह्मण को घर से भगा दो, मतदान करना ब्राह्मण को बंद करो, मंदिरों में अनुदान देना बंद करो और ब्राह्मणों को दान देना बंद करो, ब्राह्मणवाद की समाप्ति होगी। और आप घर में ब्राह्मण को बुलाइएगा, अब पार्लियामेंट से दखल करना चाहिएगा संभव नहीं है, निचलका जगह के गुरु दो क्लास पास बाबा जी या पार्लियामेंट में गुरुई करने जाइएगा तो तुरंत पूछेगा कि अरे तोरा खानदान के हमर खानदान स्वर्ग में भेजलक, तोरा खानदान के हमर खानदान शादी ब्याह कैलक, तोरा खानदान के फलाना जग हमर खानदान करोगा दो क्लास पास, और राज चलावे वाला मंत्री पार्षद मंगेला है कहीं से, जवाब जुड़ेगा, जहाँ 20 क्लास IAS IPS बैठा हुआ है, दो क्लास तो तुम्हारा क्लास यहाँ कर रहा है, 20 क्लास का तुम क्लास करने जाओगे। इसलिए
सबसे पहले घर से अंगव देना बंद कीजिए, लौका कोहरा देना बंद, पहिलका फल पंडित जी खाएं, तो पहिलका ज्ञान तो उसको होगा ही। इस सब को बंद करना होगा। ये ढंग ढकोसला पर न धरती पर कहीं स्वर्ग होता है, न ये आकाश गंगा निहारिका में कहीं नरक है, न कहीं स्वर्ग है। और इस धरती पर जो स्वर्ग और नरक की बात कल्पना की गई है वो टोटल मिथ्या है। जो यहाँ छाली काट रहा है नित दिन, वो स्वर्ग का आनंद ले रहा है, वही स्वर्ग है। जो जिसके दरवाजे पर बेहतर गाड़ी लगी हुई है, जो रात दिन हवाई जहाज से सफर कर रहा है, जिसके बैंक बैलेंस करोड़ों करोड़ रुपया है, वो स्वर्ग का आनंद ले रहा है। और जिसके पास एक बैंक बैलेंस नहीं है, जिसको एक निम्न क्लास की साइकिल नहीं है, वो नर्क गिज रहा है। जिसका रोज चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके बाल बच्चे को एक साधारण टैबलेट बीमारी में नहीं मिल रहा है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, नर्क वही काट रहा है। लेकिन नर्क का कल्पना का तो अंतरिक्ष में हरियरका में स्वर्ग और नरक वही है। तो मैं पूछता हूँ कि आपको तर्क देर करना चाहिए कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में, सौरमंडल में, निहारिका में, करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाने के बाद टेलीस्कोप दूरबीन से सारे निहारिका सौरमंडल को देखा है, अंतरिक्ष का भ्रमण किया है, उसको कहीं स्वर्ग नरक का आता पता नहीं। पंडित जी फरमा दिया कि स्वर्ग होता है, वहाँ हर चीज टोटल ऑक्सीजने है, वहाँ हर चीज़ मुफ्त में मिलता है, देखो लेकिन खाना नहीं है, देखो देखना है लेकिन खाना नहीं है, चूँकि खा लोगे तो फिर लैट्रिन करना होगा तो नरक हो जाएगा। ये ऐसी व्यवस्था बना दिया, हम उसमें कॉन्फिडेंस कर लिए। अरे स्वर्ग है तो जिंदा में कोई देखने स्वर्ग गया नहीं, अब मरा तो स्वर्ग नरक से कोई आया नहीं, फिर तुम कैसे जानते हो? जो आज मर के गया, कोई आकर के बताया नहीं, कोई जिंदा कोई गया नहीं, तो फिर इस स्वर्ग नरक के फेर में क्यों पड़े हो? टोटल दुनिया में इस तरह का फेरा पचौटा कहीं नहीं है, है नहीं रहेगा। चोरी जैसे आप कहीं कीजिएगा, झूठ कहीं बोलिएगा, तो जो चोरी करता है तो जहाँ कहीं खादी वर्दी पुलिस को देखेगा, चाहे अपने गाँव का जिसके यहाँ चोरी हुआ रहता है, वो पहचान न ले कि हम ही, हमको कहीं कह दे पुलिस से, तो उसको हमेशा खौफ रहता है, भय रहता है कि पुलिस देख लेगी, हम पर वारंट होगा। ये स्थिति है। तो बुद्ध क्यों इतना दुनिया के अंदर बुद्ध का विचार अपलिफ्ट हुआ? चीन क्यों? चूंकि चीन में, भारत में लोग अपने लिए जीते हैं, जापान में अपने लिए लोग नहीं जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं। राष्ट्रीयता की भावना जिस देश में कूट कूट करके है, वो देश दुनिया के दौर में सबसे आगे है। और जिस देश में राष्ट्रीयता की भावना एक पैसे नहीं है, अपनी भावना है, वो देश दुनिया के दौर में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। चूंकि यहाँ जैसे भारती जी जापान में गए तो किसी चाय के दुकान, वो बोकारो में कहे थे, एक चाय के दुकान पर वो चाय पी रहे थे, तो जापान में गाड़ी कार गई जा रही थी तो बहुत स्पीड में थी, तो वो आगे चाय के दुकान से पहले ब्रेक लगाया और कुछ देर दुकान से आगे जा करके गाड़ी रुकी, तो उससे एक आदमी निकल करके दौड़ते हुए पीछे गया, 100 डेग पीछे गया, तो एक ब्लैक स्टोन रोड पर गिरा हुआ था, उसको उठाया जापानी और दौड़ते हुए जा रहा है कार में बैठने के लिए, पत्थर लिए हुए जा रहा है। तो भारती जी निकल के रोड पर आ गए कि एक्सीडेंट हो गया का, इतना ब्रेक लिया है। तो एक आदमी पत्थर लेके जा रहा था, तो भारती जी कहे कि क्या गिर गया था कि तुम उठाए जा रहे हो इसको इधर उधर? तो ब्लैक स्टोन है तो इधर उधर क्यों नहीं डाल दिया, फेंक दिया था? नहीं, इसलिए नहीं फेंके हैं कि हमारा जापानी इस पहाड़ से इस पत्थर को जिस काम में लगाने के लिए ले जा रहा था, मिसमैनेजमेंट से पत्थर यहाँ गिर गया था, मैं इसको लेके जा रहा हूँ जहाँ पत्थर का ढेर होगा वहाँ इस पत्थर को मैं डाल दूंगा कि फिर मेरे जापानियों के काम में ही पत्थर लग जाए। तो जिस देश में एक पत्थर को नुकसान से बचाता है वहाँ का नागरिक, और जिस देश में बेहतर बेहतर कार गाड़ी काम रोड में काम करने के लिए हम निकाले टाटा से,
और वो गाड़ी में अगर कोई केमिकल लेके जा रहे हैं, कोई अफीम गांजा लेके जा रहे हैं, अगर पुलिस अगर गाड़ी पकड़ ली तो लादने वाला का बेल हो जाएगा, गाड़ी का बेल नहीं होगा, जेल थाना में गाड़ी सड़ जाएगा और लीलाम होगा, संपूर्ण गाड़ी का हर पार्ट सड़ जाएगा, गल जाएगा। इस तरह का आपके भी आपके उत्तर प्रदेश में है, थाना में 150 200 100 गाड़ी सड़ रही है ना। एक बार दरोगा से पूछे कि इसके बाद कहाँ रखोगे, ये नई नई गाड़ी सड़ा करके, तो ठीक है यही एक्ट जब चलाना चाहते हो, मैं सब बिहार के मंत्रियों को मैं कोसा हूँ, कहा हूँ आँख खोलो, इस देश में जितना शराब है पकड़ा जाएगा तो गाड़ी लदा हुआ गाड़ी नई गाड़ी लाद करके ले जाइएगा, शराब पकड़ा गया दुई चार पेटी तो वो गाड़ी का बेल नहीं होगा, और वो आदमी छोड़ के गाड़ी जो भाग जाता है वो बच गया, गाड़ी पकड़ फंस गया, ऐसी स्थिति। तो ठीक है जब यही एक्ट करोगे, गाड़ी जब दोषी है लादने वाला दोषी नहीं होता है, तो माँ बहने सब्जी काटती है अगर हाथ कटा दे तो फौसूल पर भी 144 लागू करके उसको भी जेल में रखो, थ्रेसर में गेहूं दौनी करने में हाथ कट जाती है ना तो थ्रेसर पर भी 144 लगा दो और जेल में उस पर भी वारंट करके रख दो, छुरी से नाखून काट रहे हो नोह कट जाता है तो छुरी पर भी 144 से 107 लगा दो, क्या ये सब ड्रामा है, इसी को कानून कहते हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा, देश जिससे हमारा एक पैसे का नुकसान अगर होता है तो उस पदाधिकारी को नौकरी से हटा दो। कहीं कोई जापान में आज कोई अरेस्ट होता है किसी अभियोग में, कल उसका जजमेंट हो जाएगा, या दोषी है तो उसको जेल में भेज दो नहीं तो उसको मुक्त करो। यहाँ पटना हाईकोर्ट का यूट्यूब पर देखिएगा, एक आदमी को 26 वहाँ का जज गए हैं मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, तो एक आदमी रो कर कह रहा है कि मैं 26 बरस से जेल में हूं, अभी तक मेरा केस का क्या है मुझे कोई पता नहीं। एक महिला रो करके जज साहब से कह रही है कि मुझ पर कौन केस है, क्यों मुझको रखा गया, मेरे परिवार वाले भी नहीं आते हैं भेंट करने। इसके लिए जज आ करके इसको रखे हैं और सबका फिर से एथिक कर रहे हैं, यहाँ के डीजीपी को कह रहे हैं कि उसका केस को निकाल करके मेरे कोर्ट में लाओ, जिसका 10 वर्ष सजा होना हो 26 वर्ष से जेल काट रहा है, जिसको 3 महीना का सजा हो वर्षों से जेल में, इसका कौन, इसको कौन देखेगा। जिसके लिए राष्ट्रपति मुर्मू क्या बेहतर स्पीच दिया है ना, है इस तरह का जब तक व्यक्ति नहीं होगा देश का कल्याण होना, हमारा देश का नौजवान हमारे देश का नागरिक लाखों 50 लाख भारत के जेल में सड़ रहे हैं, वो उत्पादन निर्माण से वंचित हैं और हम कमा रहे हैं उनको खिलाए बैठा करके, समय शक्ति का दुरुपयोग करके बैठा के हम खिला रहे हैं, उन पर अभियोग है तो उनको सजा दो, लोग अभियोग से मुक्त हैं उनको बाहर निकालो, कमाए जीवन मानव समाज में लगावे उत्पादन निर्माण में जुट जाए। ये यहाँ के आरएसएस को मोहन भागवत को यहाँ के कोई सांसद विधायक को इससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपना खजाना से मतलब है, उनको अपना फंडिंग होना चाहिए। ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा, ऐसे लोगों से यहाँ से सिसकती झोपड़ियों का चूल्हा नहीं जलने वाला है, इसलिए हमारे लोगों को सजग होना है। जब तक हम ब्राह्मणवादी मेंटलिटी के लोग रहेंगे, व्यक्तिगत व्यक्तिवादी रहेंगे, तब तक ब्राह्मणवाद व्यक्तिवाद भी ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। हमारे अंदर जो व्यक्तिवादी भावना है वो भी ब्राह्मणवाद है, हमारे अंदर जो सोच है वो भी ब्राह्मणवादी सोच है। इसलिए मानववादी सोच में हम जिए, हमारा समाज पहले जिए, उसके बाद हम दूसरा कैंडिडेट जीने के लिए हैं। पूरा भारत खुशहाल हो इस सेंटीमेंट रखना होगा, पूरा समाज खुशहाल हो तो उसमें अरुण गुप्ता अकेले बदहाल कैसे रहेगा, नहीं समझ रहे हैं। पूरा राष्ट्र खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे, तो उसमें कोई बदहाल होगा नहीं, कोई भिखमंगा होगा नहीं। आप कल्याण चाहते हैं यहाँ के देवी देवता का, स्थिति जो बनाया आजाद किया, इतना बड़ा समाज को कैसे दिग्भ्रमित करें,
आर्यों के द्वारा उत्पादित चलाई गई ये कुरीतियाँ हैं। आर्य लोग बना करके देवी देवता बना दिए, जात पात बना दिए, और उसी में हमारे 90% को दिग्भ्रमित करके उसी में उनको उलझा करके रखा गया कि इसी जाति पाति में उलझा रहे, छुआछूत में उलझा रहे, भोज भात में उलझा रहे, स्वर्ग नरक में उलझा रहे, खरवास पचखा में उलझा रहे, इसी बीमारी में। तो ब्राह्मणवाद बीमारी पैदा करने का कारखाना है कि हम बीमारी में उलझे रहें, इलाज हम न करावें, और बीमारी में हमारे समाज को समस्या में पैदा करने के कारखाना ब्राह्मणवाद है। समस्या में हमको डुबाए हुए है और इसी समस्या के समाधान में लगे रहते हैं। जैसे ही समस्या का समाधान करके निकलने वाले होते हैं तो तुरंत नया एगो समस्या फिर पेश कर देता है, फिर उलझा देता है। इसलिए उलझाता है कि असल मूल बीमारी कि ये आर्य विदेशी हैं, इस उलझन को, इस बारीकी को कोई ना समझे, इस पर इनका मानसिक स्थिति इसको रिफाइन करने के लिए ना हो। मानसिक तौर से हमारे कुरीति को, हमारे हम जो विदेशी हैं, इस बीमारी को ये लोग न जान जाए, इसीलिए इसी उलझन में फंसा रहे। हमारे वाले, हमारा जो विदेशी मुल्क के हम हैं, हम विदेशी हैं, ये कोई न जाने, इस समस्या का समाधान ये सब न निकाल पाए, इसलिए हम समस्या मुक्त रहें और इनको समस्या में उलझा करके रखें। असल समस्या ये विदेशी हैं, यही हमारा समाज 90% जान जाए तो लड़ाई का तो मैदान क्लियर हो जाएगा। 90% थूक फेंक देगा तो डूब के मर जाएगा 10%। और ये करनी सेना, कौन सेना बना करके रखे हुए है, एक दिन टिकेगा? हम 90% अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हुंकार भर दे तो ये जो यूट्यूब पर देखिएगा एगो करनी सेना कौन बना करके खाली राजपूत सब बंदूक लेकर के यूट्यूब पर देखिएगा, उनमें एक कोइरी कुम्हार चमार दुसाद कुर्मी कानू है, सब राजपूत सब है। वो उसका फौज गांव में राजपूत भूहार आपके अगेंस्ट में है कान खड़ा करके कि सब संगठित ना हो। फिर कौन जगदेव प्रसाद पैदा हो तो उसको लवे सिंह गोली मार के खपा दो, फिर कौन कर्पूरी पैदा हो, फिर कौन ललई सिंह यादव पैदा हो, उस सबको खपाते चलो। ये एक ठो खपा दोगे फिर 50 वर्ष बैक कर जाएगा, कोई इसका प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था में वो सब लगा हुआ है। गाँव में भी उसका सेना है और उसी का सेना भारत के बॉर्डर पर है, उसी के सेना थाना में है, उसी के थाना सेना हर जगह जिला में बैरक में है, और आपका कोई सेना है नहीं, आपका कोई संगठन नहीं है, कोई आपका उद्देश्य नहीं है, कोई आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आज ये वोट इसको दे दो, फिर कल उसको दे दो, वही इसमें उलट पलट करते रहोगे, लेकिन मूल समस्या का समाधान अगर हमारे नेता जाते हैं, फिर मायावती या अखिलेश को एक प्लेटफॉर्म पर आने पर क्या कष्ट? जो कष्ट की बीमारी जो पैदा किया है उसके साथ इनको कष्ट नहीं है, इनको मायावती कष्ट है, मायावती को अखिलेश बीमारी है, मायावती उसका बीमारी है, मायावती की बीमारी अखिलेश है, लालू प्रसाद का बीमारी नीतीश है, नीतीश का बीमारी लालू प्रसाद है। ये अपने में बीमारी या अपने में दवा सब बना हुआ है, लेकिन असल बीमारी दवा एक आदमी पर एंटीबायोटिक बन के भूहार बैठा हुआ है, एक पर एंटीबायोटिक बन के राजपूत बैठा हुआ है, और मायावती पर बाभन बैठी हुई है, एकरा पर कौन बैठल बात से तो आप लोग जानते होंगे। ऐसी कुरूति हमारे लोगों के अंदर है कि हम अपने में लड़ाई कर रहे हैं, अपने में हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जो ईर्ष्या का पात्र है उससे हम दोस्ती कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था को हम दोषी हैं, हमको समझना चाहिए, हमको जातीय व्यवस्था से, जातीय सेंटीमेंट से, व्यक्ति पारिवारिक सेंटीमेंट से, हमारे ही लोग जय भीम करते हैं। अरे जय भीम क्यों करते हो? बाबा साहब अम्बेडकर तो खुद लिखे हुए हैं, जय भीम करने से, हमारे मूर्ति पर माला चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण तब होगा कि हमारे विचार पर चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। आप बाबा साहब का मूर्ति लगा दिया और ऊपर 2 फूल चढ़ा दिया, अब बाबा जी के घर में घुस आ रहे हैं, कल्याण तुम्हारा होगा? अरे अम्बेडकर को घर में घुसाओ, ज्योतिबा फूले को घर में, वह परिवार को घर में घुसाओ, विचार रखो, बाल बच्चा बैठ के क्लास करो कि हमारे महापुरुष ऐसा चाहते थे वैसा ही हम लोग करें। डॉक्टर अम्बेडकर एको गो
अद्धि बद्धि जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा हाथ में औठी फौठी नहीं पहने, टिकी फीकी कुछ नहीं। आ हमारे लोग अधि बधि टिकुली भुरुकवा चनन ये सब क्या है? ये सब ब्राह्मणवाद का पोसुआ लोग बना हुआ है, सब पालतू लोग बने हुए हैं। इस देश के जितने नेता हैं सब पालतू हैं और नहीं तो फालतू हैं। कोई समझदार नाम समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई समझदार नहीं है। साथियों, ऐसी व्यवस्था आपके समाज के अंदर जो आ गई है, सारे हम लोग बिगड़ गए हैं। हमारा संपूर्ण बैकवर्ड बिगड़ा हुआ है। इस वो तो बिगाड़ने का कारखाना है, जात पात बना दिया तो जात पात हम बन करके। अहिर कोयरी कुर्मी में भेद है कि नहीं? यहाँ आते हैं तो कुर्मी लोग अर्जक संघ में है, वहाँ जाइए तो कोयरी लोग अर्जक संघ में है, वहाँ जाइए तो चमार लोग अर्जक संघ। बोलो चमार का पार्टी है तो कोयरी का पार्टी है, कुर्मी का, ये तो ब्राह्मणवाद है। यही तो ब्राह्मणवादी बीमारी है। इस बीमारी को छोड़ना होगा, इससे ऊपर उठना होगा, और नहीं तो संभव नहीं है कि हम लोग इसी की पुनरावृत्ति करते रह जाएंगे। ऐसी व्यवस्था को हमें नज़रअंदाज करना होगा, छोड़ना होगा। ऐसी व्यवस्था से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश विज्ञान से चलेगा, रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण से देश नहीं चलेगा। इसलिए हमको इसको बारीकी से समझना होगा। हमारे लोग जब तक नादानी बरत रहे हैं, चाह रहे हैं हमारे लोग कि चलो अर्जक संघ का मीटिंग है, चलो कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो दुनिया का इतिहास आप लोग नहीं जानते हैं। या कोई जानते भी होंगे, उस लिटरेचर को पढ़े होंगे, दुनिया के इतिहास को जानते होंगे तो ज़रूर जानते हैं। बस्टिल का पतन और फ्रांस की राज क्रांतियाँ तो पढ़े होंगे कोई। फिर रूसी क्रांति, चाइनीज क्रांति, वियतनाम की क्रांति, ये सब हुआ है दुनिया के अंदर घटना। तो दुनिया के अंदर कोई छोटी बड़ी घटना घटेगी उससे दुनिया प्रभावित होगा। आज यूक्रेन युद्ध हो रहा है, सोवियत संघ का युद्ध हो रहा है, उसे दुनिया प्रभावित है कि नहीं? हम लोग भी प्रभावित हैं, दुनिया प्रभावित है। अगर ये युद्ध अगर प्रोलोंग किया, ये युद्ध अगर चला, परमाणु युद्ध अगर हुआ, तो हम लोगों का क्या हश्र होगा? हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहिएगा। इसी खेल को खेला जा रहा है। आज यूक्रेन देश के अंदर वहाँ के बाल बच्चों की क्या स्थिति है, पड़ोसी राष्ट्र में वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है, पुरुषों की क्या स्थिति है, इसको रात दिन आप देखते होंगे। इस सब लेसन लेने की चीज़ है। अब ऐसी स्थिति, ऐसे दौर में आप आ गए हैं कि देश बचने की स्थिति में नहीं है, डूबने की स्थिति में है। अगर देश डूबेगा तो 90% डूबेंगे, वो नहीं डूबेगा, आपका दुश्मन नहीं डूबने वाला है, वो एकदम सतर्क है, वो अपना एकदम आप पर जाल बिछाए जा रहा है। एक से निकलिएगा तो एक में फंसा लेगा, फंसने के का वो अपना पूरा चला रहा है कार्यक्रम। अब ये नरेंद्र मोहन भागवत क्या कहा है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई। इसके पहले जब देखा कि जाति व्यवस्था का कस के विरोध होने लगा है, तो उसका भाषा अगर न बोलेंगे तो हम कबड़ा जाएंगे। इसलिए अब आप ही के सब में सट करके आपका समर्थन कर रहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाया। अरे तो देवी देवता कौन बनाया, इसे पूछा जाए, उससे कोई जा करके पूछे कि देवी देवता कौन बनाया, स्वर्ग नरक कौन बनाया, अपने बीमारी आ जाएगा सामने में। तो जैसे कहेगा कि देवी देवता ब्राह्मण लोग बनाए हैं, तब तक आठ आना मामला साफ होगा। इसके बाद भी हम अज्ञानी बने हुए हैं, वो आपका दुश्मन एक प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रहा है। वो सेना में 80% RSS के मेंबर लोग हो गए, वो जो आदेश होगा वही करेंगे। ऐसी अवस्था लाने का श्रेय हम लोगों के पास जाता है, हम लोगों के ऊपर जाता है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रश्न करें और बारीकी से ब्रेन को ट्विस्ट करें, अपना में तर्क पैदा करें, सुन करके जाइए। इसके अलावे सुनी हुई बात से और अलग हट करके आप सोचिए दिमाग में कि इतना वर्षों से हम गुलाम क्यों हैं। राजपूत हमको भाई नहीं कहता है, ब्राह्मण हमको भाई नहीं कहता है, हमको पढ़ने लिखने पर पाबंदी बना दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने पर पाबंदी किया, घोड़ा पर चढ़ने के लिए मुजफ्फरनगर में गोली मार दिया है।
एक दलित लड़का जा रहा था, जो इतना आपको पनिश कर रहा है, इतना आपको जलील कर रहा हो, उसको घर में बुला करके पुरोहित कहते हैं, उससे आप अपना भलाई चाहते हैं, जो आपका कभी भलाई चाहा नहीं, नहीं। जॉन कॉम आपको गुलाम समझा, गुलाम का और आज़ाद का एक धर्म नहीं होता है, गुलाम और आज़ाद का एक व्यवस्था नहीं होती है, गुलाम हमेशा गुलाम है, आज़ाद हमेशा गुलाम पर हुकूमत करता है, जब गुलाम ख़त्म हो जाएगा तो न कोई आज़ाद रहेगा न कोई गुलाम रहेगा। ऐसी व्यवस्था को आप लाना चाहते हैं तो सब एक कुरीति से, सब बुराई से ऊपर उठना होगा और जातीय व्यवस्था को छोड़ना होगा, धार्मिक सेंटिमेंट से ऊपर उठना होगा, स्वर्ग नरक के भेदभाव से ऊपर उठना होगा और सामाजिक सोच को डेवलप करें, राष्ट्रीयता की भावना जगाना होगा और देश के अंदर तो जो भी है फाउंडेशन यहाँ बना हुआ है, भारत माँ की जय। भारत पुलिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग है, बोलिए ना, भारत शब्द पुलिंग है, भारत माता, तो भारत अगर माता है, देश माता है उस देश के नागरिक का, तो चाइनीज को भी तो कहना चाहिए चाइनीज माता, अमेरिका को भी तो कहना चाहिए अमेरिकी माता, रूस को कहना चाहिए, वो क्यों नहीं कहता है, क्योंकि वो सब विषय समझता है, हमको विषय समझाया नहीं गया, हमको विषय से दिग्भ्रमित कर दिया गया। आज लोग पश्चिम से आए तो यहाँ के मूल वासियों को तलवार से कत्ल किया और गुलाम बना लिया, और वो 6000 आर्य लोग आए तलवार से और घोड़ा से और यहीं हुकूमत किया, और यहाँ जब हुकूमत करना शुरू किया, राजा यहाँ का बन गए, तो हम ही लोगों के बहू बेटियों को लूट लूट करके धर्म पत्नी बनाया, पत्नी जैसा धारण किया, प्रजनन किया, परिवार बसाया, इसीलिए मनु स्मृति में लिख दिया कि शूद्रो नारी नाधीयताम, शूद्र को और स्त्री को धन से अलग रखो, वंचित रखो, शिक्षा और धन देने की जरूरत नहीं है शूद्र को, सच्चाई को जान जाएगी महिलाएं, शिक्षित हो जाएगी तो हमारी हत्या करके फिर अपने समाज में चली जाएगी, इसलिए अशिक्षित बना करके महिलाओं को रखो, इसलिए चूँकि महिला शूद्रों की बहू बेटी को हम लूट के लाए हैं, हमारे समाज में, हम अपने परिवार में, आप अपने परिवार में बहू बेटियों के साथ शाम में खाना बना रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, और आर्य लोग आते थे और 10-20 के संख्या में घोड़ा से और तलवार लेके आते थे, एक बैग घर में घुस जाते थे और पता लगाते थे कि किसके घर में सीज मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है, उस घर में घुस जाता आर्य और बलात अपने दादा भाई बहन बाप मतारी के समक्ष वो लड़की को वो आर्य लोग उठा लेते और घोड़ा पर लाद करके लेके चले जाते, तलवार के घर, नंगे तलवार के डर से हमारे लोग नहीं बोलते थे, और लड़की घर से अपने बाप दादा के बाप मतारी के गोदी से बीच से उठ करके वो चली जाती थी तो बिलाप करती थी कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना, भैया हो भैया बचाओ हो भैया, बिलाप करते हुए हमारी पोती बेटी चली गई और आर्ज ले गए, हमारे लोग चाह करके भी जाओ बेटी तुम पर जो गुजरेगा, जाओ पोती तुम पर गुजरेगा तू समझ लेना, लेकिन हम चाह करके भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, और सरेंडर कर गए, जिसका आज भी नतीजा है कि हमारी महिलाएं शादी ब्याह में गीत गाती है कि बाबा बाबा पुकारी ले बबो न बोलल हे, नाना नाना पुकारी ले नानू न बोलल हे, गाना है आपके तरफ, आज भी बिलाप चल रहा है, लेकिन महिलाओं को पता नहीं है कि किस समय किस परिस्थिति में ये बिलाप कर रही है महिला बच्ची, इसको आज तक इससे अलुफ करके हमारे समाज को रखा गया, बिलाप उसी समय आर्यों के समय का है, और आप लोग ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाने का अर्जक संग एकमात्र दवा है। काशीराम के साथ गांधी में मेरे भाई साहब भी थे, तो मेरे भाई साहब भी कम्युनिस्ट आंदोलन में थे, तो काशीराम जी का 2-3 दिन का कार्यक्रम था गांधी मैदान पटना में, तो मेरे भाई साहब पूछ लिए, बहुत महान काम आप काशीराम जी करते हैं कर रहे हैं कि दलित पिछड़ों को जगाने का काम कर रहे हैं, बहुत शानदार का काम कर रहे हैं, किया जाए, हम भी साथ आपके हैं, लेकिन काशीराम जी आप केंद्रीय कमेटी सेंट्रल कमेटी आपके पास है कि नहीं, तो काशीराम कहते क्या हैं कि व्हाट सेंट्रल कमेटी, क्या होता है, तो सेंट्रल कमेटी एक दिशा निर्देशित करने का एक बंधन है, एक कमेटी है जो
पूरे देश के अंदर जो संगठन चल रही है उसका नेतृत्व करने का, सजेशन राय देने का वो दर्शन को का प्रतिनिधित्व करती है। तो नहीं, काशीरामी जे बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मीन्स काशीराम, हम ही काशीराम हैं, हम ही सेंट्रल कमेटी हैं, हम ही बहुजन समाज पार्टी हैं। तो भाई साहब कहते हैं कि क्या काशीराम जी, आप तो ये व्यक्तिवाद चला रहे हैं, तो व्यक्तिवाद आप मर जाइएगा, आपकी पार्टी मर जाएगी, जैसे डॉक्टर लोहिया के जैसा, डॉक्टर लोहिया मर जाएंगे, उनकी सोशलिस्ट पार्टी मर जाएगी, वो उसी तरह से आप मर जाइएगा, आपकी पार्टी मर जाएगी। ठीक वही हुआ। अगर कार्ल मार्क्स बेवकूफ़ थे, लेनिन बेवकूफ़ थे, माओ सेतुंग बेवकूफ़ थे, ये जितनी भी नेशनल कमेटी चलती है, नेशनल कमेटी, स्टेट कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी है ना अर्जक संघ में, रामस्वरूप वर्मा मर गए, चले गए, आज चल रही है कि नहीं, क्या वो तलब देते हैं सबको? चल रही है। आओ अर्जक संघ से बाद में काशीराम का जन्म हुआ, मर गए, अर्जक संघ दौड़ रही है, चल रही है। तो ऐसी व्यवस्था, तो काशीराम अगर ये सेंट्रल कमेटी काशीराम जी चलाए होते, तो जैसे सेंट्रल कमेटी चलती, तो जैसे मायावती कही कि हाथी न गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सेंट्रल कमेटी तुरंत पूछती कि मायावती अंबेडकर बाद है, एक एक इनारा कहाँ से अंबेडकर दिए हुए हैं कि ज्योतिना फूले कि पैरियार का कहा हुआ है प्रश्न, उससे पूछने के लिए भर मुँह कोई है जवाब, कोई है ऐसा पुरुष कि जो कैश मायावती से, वहाँ तो सब स्वार्थ है कि इसे पूछ देंगे अनवाइड हो जाएगा तो टिकट ना देगी, यहाँ तो स्वार्थ, हाथी न गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, हाथी जा आसाम के जंगल में भाग के चला गया, जाके पूछो कि पार्लियामेंट में गई है कि आसाम के जंगल में चला गया, कोई पूछने वाला है मायावती से? इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के मोर देन 60% दलित लोग मायावती में कॉन्फिडेंस रखते हैं। अरे तुमसे कहीं मोहन भागवत उससे कहीं बेटर है, वो मोहने भागवत का काम कर रही है, इनडायरेक्ट रूप में सारे लोग उसी का काम कर रहे हैं। जब हम अपने समाज को बेहतर नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम दुश्मन को पुष्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हम समाज को गोलबंद करके, उस पर भरोसा करके हम समाज को संगठित नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने विरोधी को मजबूत कर रहे हैं। कि बातें तो अच्छी हैं, इस परिवेश में ये कमेरा समाज वोट किसको करे? शोषित समाज दल बना हुआ है, इसी सिद्धांत पर बना हुआ, उसको हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर हम वोट करना है किसको वोट करें? सब तो हमारे समाज के बिकाऊ लोग हैं, जाके वो अपना चट्टा बट्टा बना रहे हैं, लेकिन ये समाज जाए कहाँ? बसपा खराब, सपा खराब, भाजपा अच्छी खराब, जो भी सारी पार्टियां हैं, फिर हम कहाँ? ये कहाँ वोट करें? ये समस्या है। अभी तो बिहार में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कहीं फार फार बेटर बिहार है, समझे? कि अभी भारत के अंदर बिहार शिखर पर है, और भारत के अंदर, मैं देश के अंदर नीतीश के अलावे कोई नज़र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष ये चुनौती है कि आरएसएस भाजपा के नरेंद्र मोदी की सरकार को अपदस्त करने का ताकत एक नीतीश कुमार में है, अन्यथा किसी में नहीं है। नीतीश कुमार में ये क्वालिटी है कि भारत नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश के नेतृत्व में संभव है कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, क्योंकि नीतीश जी के जैसा सोच, उनके जैसा विचार न उत्तर प्रदेश में किसी नेताओं में देखने को मिल रहा है। और ना नीतीश जी को पलटू राम परिस्थिति का गुलाम सब कोई होता है, परिस्थिति कभी लेनिन का राज सत्ता और क्रांति पढ़ेंगे, एक कदम आगे और दो कदम पीछे। मैं किनको एथी करूं, तो परिस्थिति जैसी आई है, एन मौका पर नीतीश जी लालू के साथ आ गए, जिस समय
आज भारत के अंदर बहुत बड़ी चुनौती यहाँ के मूलवासियों, यहाँ अर्जकों, यहाँ के शूद्रों पर कहर बरसने वाला है 24 में। इस 24 के कहर से निकालने का काम बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व से संभव है। और मैं विश्लेषण का कहूँ, और वहाँ जो अर्जक संघ, ये जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, इनका भी मैं तारीफ करता हूं कि इनका भी नेतृत्व बहुत शानदार का है। समाज को जोड़ने की नीति है उनका, समाज में कैसे भाईचारा काम किया जाए, इतनी जवाबदेही बड़ी गंभीरता से जदयू का कार्यभार उत्तर प्रदेश में उमेश कुशवाहा जी कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व को वो मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसलिए और देख रहा हूँ बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हर राज्य के स्थिति को मैं देख रहा हूँ। नीतीश के टक्कर में किसी नेता के पास वो दम नहीं है कि भारत के विरोधियों को गोलबंद कर सके और नेतृत्व को मतलब चुनौती दे सके। जो उनमें कसक है नीतीश जी में, उन्हीं को हम लोग मैक्सिमम मिल करके सपोर्ट करें और कर रहे हैं बिहार में, और आप लोग भी बैकिंग करें और यहाँ इन लोगों से कहें कि आप लोग भी मिलिए और एक संगठन बनाइए। मायावती और अखिलेश को भी उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ माननीय नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी, ये एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उस तरह यहाँ प्लेटफॉर्म बना करके सारे देश के अंदर जितने शूद्र समाज के लोग हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और नीतीश के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का हम पूरे देश के लोगों का संकल्प, हम लोगों का सुदृढ़ होना चाहिए। तब जा करके 24 हमारा प्रशस्त होगा और 24 हमारा सुनहला दिन आने वाला होगा। और नहीं तो फिर हम गर्त के खान में मनुवाद हम पर हावी होगा, फिर पूर्ण की स्थिति में चले जाएंगे। और आप साथियों का एक समस्या है कि मनुवाद से कैसे, भाई तो मनुवाद नहीं ब्राह्मणवाद कहें। मनुवाद आपके यहाँ दान लेने नहीं आता है, अक्षत चंदन आपके यहाँ मनुवाद शादी ब्याह नहीं, मनुवाद कहते हैं डेढ़ डरा हुआ आदमी। मनु आपके यहाँ आता है पूजा पाठ कराने, मनु कहिया मर गया स्वर गया चला गया, मनुइज्म को लेक ढो करके ब्राह्मणिज्म में चलाया जा रहा है। ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म होता नहीं है, ब्राह्मण धर्म भारत में चल रहा है और धर्म सत्ता चल रही है, जबकि सत्ता में धर्म का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ धर्म सत्ता चला करके हिंदू बना करके 90% बैकवर्ड को एक्सप्लाइट किया जा रहा है, दिग्भ्रमित करके उसके ऊपर हुकूमत करने का ये साजिश चल रहा है। इसलिए आप मनुवाद कह करके नहीं ब्राह्मणवाद कह करके, तो ब्राह्मणवाद से मुक्ति आप चाहते हैं तो एकमात्र अर्जक संघ उसका दवाई है। जानो तब मानो और ब्राह्मणवाद के सारे पाखंड को उखाड़ फेंके, घर से ब्राह्मणवाद की विदाई कर दें। जैसे हमारे पिता कहते थे कि ब्राह्मण अगर दूरा पर आ जाता है देखो माटी काट के हटा के फिर भरवा लेना, लेकिन ब्राह्मण कभी तुम्हारा भलाई नहीं चाहेगा, जैसे आर्ज आपका भलाई नहीं चाहेगा। आर्ज और अनार्ज का वही संबंध है जैसे सर्प और चूहा का संबंध है। जैसे विदेशी सर्प सर्प घर नहीं बनाता है, चूहा घर बनाता है और चूहे अपने बाल बच्चों के साथ घर में रहता है, बिल में रहता है। अब बाहरी आर्ज सर्प घर में प्रवेश करता है और घरवैयों को खा जाता है, उसके बाल बच्चों को खा जाता है, घर वो दखल कर लेता है कि नहीं। उसी तरह से ब्राह्मण विदेशी आर्ज आकर के भारत का मालिक बना हुआ है, हम ही लोगों से कमवा रहा है, हम ही लोगों से गोर पुजवा रहा है, हम ही लोगों को नीच कह रहा है, हम ही लोगों को राक्षस शूद्र कह रहा है, अछूत कह रहा है, और वो शुद्ध बना हुआ है, वो देवता बना हुआ है, हमको राक्षस दानव बनाए हुए है, हम पर हुकूमत कर रहा है। तो जो सर्प के साथ चूहा अगर रिश्ता करे कि सर्प हमारा शुभचिंतक है, तो उसी तरह से आप बन जाइए चूहे बन करके, ब्राह्मण को कहिए कि ये हमारा उद्धार करेगा, तो आपका कौन कल्याण करेगा। इसलिए वो उद्धारक नहीं है, आपका डुबावक है। इसलिए ब्राह्मणवाद को समझने के लिए आप अर्जक संघ को, अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले पैरियार के विचारों से, रामस्वरूप वर्मा के विचारों से प्रेरित होकर के समाज को समझें, समाज में एकता कायम करने का और विवेक जगाने का काम करें।